हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओवन चैनल मार्केट एनालिसिस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मार्केट में जो गिरावट है वो क्या कंटिन्यू रहने वाली है और कितनी गिरावट और हो सकती है, कहाँ से जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो है बाउंस बैक आ सकता है और कितनी हद तक जो है इसमें गिरावट देखने को हमें मिल सकती है, क्या ये प्रेशर कंटिन्यू रहने वाला है। क्योंकि US फेड की तरफ से जो न्यूज़ आई है तो उन्होंने कहा है कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं होता है तो वो अपने जो रेट है वो हाई कर सकते हैं। अगर वो रेट हाई करता है तो ये सेलिंग जो है कंटिन्यू रहने वाली है और किस हद तक हमें जो है सेलिंग देखने को मिल सकती है दोस्तों, वो पूरी एनालिसिस करेंगे हम। ठीक है, बने रहेगा इस वीडियो पे एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने निफ्टी बैंक का जो चार्ट खोला हुआ है डेली टाइम फ्रेम में, इसमें हम अभी एक इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। दोस्तों, ये अगर आपको यूज़ करना नहीं आता तो आज मैं आपको बताऊँगा कि इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, और इसको यूज़ करना आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि मार्केट में कितनी गिरावट होने वाली है या मार्केट कितनी ऊपर तक जा सकती है। ये ओवरऑल जो बड़े टारगेट्स हैं वो हमें डिसाइड करने में मदद करती है। तो नाउ मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ले लेता हूँ। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट दोस्तों, जैसे यहाँ से गिरावट हो रही थी मार्केट में तो जहाँ से इसने बाउंस बैक लिया है वहीं से हमें स्टार्ट करना होता है और बिल्कुल एंड टॉप तक हमें लगाना होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस तरीके से। ठीक है, ये मैं लगा चुका हूँ। अब हम यहाँ पर देखेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, तो दोस्तों बैंक निफ्टी ने जो अपना हाई लगाया था वो 46,330 का हाई लगाया था। उसके बाद इसमें जो है गिरावट से चालू है, और जो फिबोनाची का जो रूल कहता है कि जो ये जो फर्स्ट स्लैब होती है इनकी 0.236, इतनी तो गिरावट नॉर्मली होनी ही होनी होती है किसी भी हालत में। अगर उसके बाद अगर उसको ब्रेक करता है तो देखो यहाँ पे इसने ना बाउंस बैक भी लिया था, और फिर उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तो जो सेकंड टारगेट होते हैं वो ये वाले पॉइंट्स होते हैं 0.382। ठीक है, अब यहाँ से इसने जो बाउंस बैक लिया है, अब अगर ये वाले लेवल टूटते हैं, ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा 0.5। यहाँ तक जो है कंटिन्यू इसमें सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, और अगर ये भी ब्रेक कर देता है तो हमारे लास्ट जो है हमारे ये रहेंगे 6.18 वाले। यहाँ तक जो है हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, 41,600 के आसपास की हमें जो है गिरावट देखने को मिल सकती है निफ्टी बैंक में। तो दोस्तों, अभी जो ओवरऑल माहौल है वो नेगेटिव का बना हुआ है, तो आपने अगर बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड लेना है तो आपने जो क्वांटिटी है वो सेलिंग साइड में ज़्यादा रखनी है और बाइंग साइड में आपने कम रखनी है। अगर बाइंग साइड में 45,200 के ऊपर अगर ये फिर से रनिंग करने लगे तो ही हमें जो है बैंक साइड में क्वांटिटी को एक्सटेंड करना है, नहीं तो हमें छोटी क्वांटिटी में बाइंग साइड प्ले करना है और जो बड़ी क्वांटिटी है वो हमें रखनी है सेलिंग साइड में। क्योंकि अगर 43,460 के अगर लेवल यहाँ से ब्रेक करती है डेली टाइम फ्रेम में और यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है तो एक अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिलेगा हमें, जो कि आपके इस वाले टारगेट तक, फर्स्ट टारगेट ये होगा एंड सेकेंड टारगेट ये हो सकता है, यहाँ तक हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अभी बैंक निफ्टी में जो है सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू बना रह सकता है, तो आपने इसके अकॉर्डिंगली इसमें ट्रेड करना है। और अगर आपने कोई स्टॉक ले रखा है और लॉन्ग टर्म के लिए है तो नो इशू, आप उसमें होल्ड कर सकते हैं। बट अगर सेलिंग प्रेशर रहेगी और आपने कोई स्विंग ट्रेड ले रखा है दोस्तों, तो अगर आपका SL कटता है तो आप उसको कटने दीजिएगा, क्योंकि आप अपने स्टॉप लॉस के पास अगर नहीं निकले तो उसमें जो है लॉस और भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट में जो है सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू है। एंड दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में देखो, मैंने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऑलरेडी लगाया हुआ है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट वाली रिट्रेसमेंट होनी थी वो हो चुकी है 0.236 वाली। अब अगर ये यहाँ पे जो है बाउंस बैक भी ले चुका है, अब इसको अगर ब्रेक करेगा तो ये जो है यहाँ तक गिरने की पूरी पूरी क्षमता रखता है 382 के आसपास तक। एंड यहाँ से बाउंस बैक लेके तो फिर से ये ब्रेक करेगा तो फिर आपको देखने के मिलेंगे 18,400 का, एंड उसके बाद 18,000 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। अगर आपने कोई सेलिंग या बाइंग का कोई भी ट्रेड लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। एंड फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, स्मैश द लाइक बटन एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू मोर वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।